नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में। मंडी के अंदर लगातार सरसों की, जौ की, चने की और गेहूं की लगातार आवक हो रही है। लगातार मार्केट टाइम टीवी के रिपोर्टर्स जो हैं देश और प्रदेश की मंडियों में जाकर अपने दर्शकों को मंडी में आने वाली जिंसों के भाव और आवक के बारे में अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आज हम मंडी में व्यापारी हैं, उनके साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि आज मंडी के अंदर सरसों की कितनी आवक है और क्या भाव चल रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मार्केट टाइम टीवी में आपका स्वागत है। सर, मंडी के अंदर कितनी आवक सरसों की है, क्या भाव है आज मंडी में? आज सरसों के 8 से 10 हजार कट्टे की आमद है। भाव 5100 से 5150 रुपए 42 कंडीशन के भाव है। कल क्या भाव थे? कल भी शनिवार को भी समान से भाव थे, कोई विशेष उठा घटवट नहीं, कोई उतार चढ़ाव देखा जा रहा है भावों में? फिलहाल तो कोई सेम से भाव, समान से भाव चल रहे, कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा जा रहा। 50 रुपए घटपट से भाव चल रहे हैं। किस तरह की क्वालिटी आ रही है सरसों की? क्वालिटी साल बहुत बढ़िया है। सरसों की क्वालिटी में FF की शिकायत नहीं है, बारिश नहीं होने की वजह से क्वालिटी साल बहुत शानदार बन आ रही है और ऑयल भी बहुत अच्छी कंडीशन का बन रहा है। अभी मंडी के अंदर जो सरसों की जो आवक है वो कितने महीने रहती है? सरसों तो अलवर मंडी में तो 12 महीने ही आती है। सीजन तो 3-4 महीने का, बाकी 12 महीने अलवर मंडी सरसों की, मस्टर्ड की मंडी है तो 12 महीने सरसों आती है। अभी अगर हम अपने MSP की बात करें तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? MSP से गवर्नमेंट आज से इन्होंने कहा है कि 15 तारीख से हम खरीद चालू करेंगे। आज हमने सूचना नहीं ली खरीद चालू की है या नहीं की है, पर 15 तारीख से खरीद चालू 5650 रुपये में MSP चालू करने की बात आ रही है। तो अभी मंडी के अंदर लगातार जो सरसों के अलावा और भी फसलें जो है मंडी में गेहूं आ रहा है 10 हजार कट्टे के आसपास गेहूं आ रहा है, उसके भाव आज 2250 रुपए है लोकल गेहूं की। इस बार गेहूं, जो चना, सरसों, जिंस की क्वालिटी सब चीज की बहुत बढ़िया आ रही है। मौसम अनुकूल होने की वजह से गेहूं भी एकदम भरुआ और बढ़िया पका हुआ आ रहा है। अभी जो मार्केट में सरसों आ रही है मंडी के अंदर, वो कौन कौन से क्षेत्रों से आ रही है, कौन कौन सी मिलों में जा रही है? मंडी में सरसों तो आसपास के क्षेत्र से आती है, जैसे यहाँ से मालाखेड़ा साइड है, बड़ौदा मेव साइड है, इधर अपने भरोड़ साइड से थोड़ा बहुत माल आता है और बाहर से भी बिल्टिया लोग मंगवा लेते हैं और लोकल मिले हैं उनमें जा रही है सारी। यहाँ MIA में मिले हैं सरसों में, उनमें सब में जा रही है। अभी बीच में एक समस्या खड़ी हो गई थी कि मिल वालों को अपनी मिल बंद करने की कगार पे आ गए थे, ऐसा क्या कारण रहा था? मिलों में तो अभी समस्याएं ही चल रही है, डिस्पैरिटी है, तेल 3000 रुपए किलो बर्तन से नीचे फर्क है, वो सरसों ऊंची बिक्री है, तेल की डिमांड कम है, विदेशी तेल मंदे की होने से मस्टर्ड ऑयल भी मंदा ही बिक रहा है, इस वजह से मिले तो अभी 50% के आसपास बंदी चल रही है। तो अभी मस्टर्ड जो ऑयल है वो कम, उसके भाव कम क्या मानते हैं आप इस तरह? मस्टर्ड के आज के भाव 102 रुपए है। तो विदेशी तेल भी मंदा ही चल रहे हैं, विदेशी तेल मंदे होने की वजह से मस्टर्ड का उठाव कमजोर है। वैसे भी आगे गर्मियों में मस्टर्ड का उठाव कमजोर हो जाता है, बरसाती का सीजन भी नहीं है। सबसे बड़ी तो गवर्नमेंट की पॉलिसी डिपेंड करती है कि उन्होंने आयातित जो तेल है पाम उसको ड्यूटी फ्री कर रखी है, तो पाम मंदा बिकता है तो सरसों तेल ऊंचा कैसे बिकेगा। तो अभी जैसे अगर अपन बात करें तो लगातार मिलों के अंदर जो सरसों जा रही है और वहां से तेल भी तैयार हो रहा है, तो कौन कौन से क्षेत्र में जा रहा है तेल? तो यहाँ से बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा यहाँ जाता है, बाकी यहाँ लोकल भी तेल जैसे अडानी मिलमार है, पंतजली है, NDDB है, ये लेकर अपना ब्रांड उसमें लगा के अपने पैटर्न लेकर ये पूरे देश में सप्लाई करते हैं। इनका जो आता है फॉर्चून ब्रांड सारे देश में बिकता है। तो अभी अपन सरसों की बात कर रहे हैं तो सर, जो सरकार है, केंद्र सरकार है, अभी लोकसभा चुनाव है तो आगे कोई सरसों के भाव में बढ़ोतरी की कोई उम्मीद नजर आ रही है? अभी चुनाव तक तो कुछ भी उम्मीद नहीं नजर आ रही, चुनाव तक तो अभी गवर्नमेंट भावों को नहीं बढ़ने देगी, उसके बाद अगर गवर्नमेंट ड्यूटी बढ़ाती है आयते तेलों पे तो ही भाव बढ़ेंगे, अदरवाइज भाव बढ़ना बहुत मुश्किल है। क्या कारण है कि अब ड्यूटी क्यों नहीं बढ़ पा रही सरकार? सरकार ड्यूटी इसलिए नहीं बढ़ा पा रही ना, सरकार को कंज्यूमर का भी ध्यान रखना पड़ता है, ज्यादा ऊंचा तेल होता है तो महंगाई लोग चिल्लाते हैं, इसलिए सरकार ये चाहती है कि तेलों के भाव नीचे रहे, सरसों ऊंची रहे, तो सरसों ऊंची रहेगी तो गवर्नमेंट उसको खरीद रही है 5650 रुपए में, तेल नीचे रहेगा तो मिलों में पैरिटी नहीं रहेगी। तो आज अभी अपन बात करें तो खरीद केंद्र शुरू हुए हैं यहाँ पे, अभी सरसों खरीद केंद्र आज चालू हो गए खरीद केंद्र।
हाँ, एक का जमींदार से 25 क्विंटल सरसों अधिकतम लेंगे वो, एक दिन में 10 क्विंटल सरसों लेंगे, आज खरीद केंद्र चालू होने की सूचना आ रही है। तो अभी आप क्या मानते हैं कि जो काश्तकार है वो आप व्यापारी के पास में ज्यादा आता है या खरीद केंद्र पे जाएगा ज्यादा? अभी तक तो नमदार माल आ रहा था, बाजार में ज्यादा माल आ रहा था, अब डिफरेंस होने के लिए खरीद केंद्र पे जाएगा वो ज्यादा, जब बाजार में और बाजार भाव में और खरीद एमएसपी में ज्यादा डिफरेंस रहेगा तो वही बेचेगा मंडी में क्यों लाएगा। तो उसको क्या एमएसपी से फायदा है किसानों को? नहीं, एमएसपी से फायदा है नहीं, अगर एमएसपी तो फायदा ही होता है, अगर गेहूं है गेहूं में एमएसपी से उसको ज्यादा फायदा नहीं लग रहा तो मार्केट में ला रहा है, सरसों में एमएसपी में उसको फायदा लगेगा तो वहाँ गवर्नमेंट सेंटर ले जाएगा। तो अभी जैसे आप बात कर रहे हैं सरसों की, तो लगातार क्या है कि सरसों में अभी कोई मॉइस्चर वगैरह ऐसा कुछ नहीं, अभी साफ सरसों में कोई मॉइस्चर नहीं, तो बिल्कुल सूखा माल आ रहा है, मार्च में मॉइस्चर आता था अब तो बिल्कुल एकदम सूखा माल आ रहा है, 7 मॉइस्चर 6.5 मॉइस्चर का, अब वो मॉइस्चर की कोई शिकायत नहीं। हमारे साथ में यहाँ के जो व्यापारी है और मिलर भी है वो मौजूद थे, उन्होंने अपने सरसों के बारे में पूरे विस्तार से हमको जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी मंडी के अंदर सरसों की आवक भी हो रही है, चने की आवक हो रही है, गेहूं की आवक हो रही है और जौ की आवक हो रही है, लेकिन लगभग लगभग 2 महीने सरसों की जो आवक है वो जोरों पर है, वैसे 12 महीना सरसों मंडी के अंदर आती है। नितिन शर्मा, अलवर।